मध्य प्रदेश के आदिवासी वोटर्स पर कांग्रेस के साथ साथ भाजपा की भी नजर है। इन मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा पूरी ताकत के साथ मैदान में नजर आ रही है। इसी का नतीजा है कि आदिवासी वर्ग से आने वाले मंत्री कुंवर विजय शाह आदिवासियों के बीच जाकर उनका दुख दर्द जान रहे हैं और एक साधारण व्यक्ति की तरह ही जमीन पर बैठकर उनके साथ भोजन करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश का पर्यटन स्थल तामिया पातालकोट प्राकृतिक संपदा से युक्त है। यहाँ आदिवासी वर्ग निवास करता है, जिनके बीच वन मंत्री विजय शाह पहुँचे और पारंपरिक नृत्य का आनंद लिया। भारिया जनजाति की परेशानियों को जानने पहुंचे मंत्री कुंवर विजय शाह ने इस मौके पर चौपाल लगाकर लोगों से चर्चा की और उनकी समस्याओं को हल करने का काम किया। और सरकार नहीं भी करेगी तेरा तो मैं भर तो चिंता करो। सर फोन नंबर कहाँ है? फोन नंबर सर ये आवेदन है सर हम नोट सब देता हूँ सर ये आवेदन इनको उधर दिलवा दो। घर में ही बनाते हैं जंगल नहीं बनाते घर के खेत के आसपास के। एक ढोलक कितने में बनता है सर? इसका तो अनुमान नहीं लगा सकते कि मेहनत करके बनाए हैं उनको। अरे हम पैसे देंगे ना, हमको चाहिए 500 ढोलक। मार्केट रेट क्या है? बाजार में कितने का मिलता है? 2000 4000 5000 कितने मिलते हैं? अरे एक ये चमड़ा वाला चाहिए हमको, प्लास्टिक में आवाज नहीं आता। वहीं इस दौरान मंत्री शाह एक साधारण व्यक्ति की तरह नजर आए और आदिवासियों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। मंत्री कुंवर विजय शाह पातालकोट पहुंचे और उन्होंने रात्रि विश्राम भी चिमचीपुर के बालक आश्रम में किया, जहां उनके साथ पातालकोट भारिया अधिकरण राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। इसके साथ ही प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज तामिया।